देशाच्या अनेक भागांमध्ये सूर्य उपासनेचा सर्वात मोठा सण छठ पूजा साजरा केला जातो. आपली संस्कृती श्रद्धा निसर्गाशी किती खोलवर जोडलेली आहे याचा पुरावा म्हणजे सूर्यपूजेची परंपरा आहे. त्यानिमित्त पनवेल शहरातील वडाळे तलाव, खांदेश्वर येथील तलाव आणि नवीन पनवेल येथील आदई तलावाजवळ छठ पूजेचे आयोजन सोमवारी करण्यात आले होते. या पूजेला भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी भेट देत दर्शन घेतले आणि जल अर्पण केले. छठ पूजेनिमित्त आदई तलाव येथे आयोजित कार्यक्रमावेळी माजी महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, माजी नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, संतोष शेट्टी, माजी नगरसेविका राजश्री वावेकर, शिवाजी भगत, विवेक होन, अक्षय सिंह, कुलबीर चांदोक, रीमा रावल, खांदेश्वर तलाव येथे आयोजित छठ पूजेवेळी माजी उपमहापौर सीताताई पाटील, भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, माजी नगरसेवक एकनाथ गायकवाड, युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिषेक भोपी, प्रभाग क्रमांक 15 अध्यक्ष शांताराम महाडिक, रामनाथ पाटील, प्रेमा भोपी, आयोजक अवधेश शुक्ला, अनुपम शर्मा, भद्र शेट्टी, गजानन साळवी, विजय यादव, मनीषा पाटील, तसेच वडाळे तलाव येथे आयोजित छठ पूजेला माजी नगरसेवक नितीन पाटील, माजी नगरसेविका दर्शना भोईर, प्रीतम म्हात्रे, विनय साह, विश्वनाथ साह, राजू ठाकूर, शंभू चौधरी, अलोक कुमार मंडळ, कुमार विभूती यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. आप सभी को उपस्थित सभी हमारी बहने तथा उनके परिवारजनों को छठ पूजा के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. पनवेल शहर से लेकर नवीन पनवेल, खंडा कॉलोनी, सभी जगह पर इस पर्व को मनाने के लिए मैं आज जाके आऊँ. कल शाम को कामोठा, कलमबोली, खारगर, इन सारी जगह पर गया था और ये इन सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जहाँ जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है वहाँ पर लोगों की मदद करना ये हमारा कर्तव्य है. इस भावना से भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं. हमें बहुत खुशी है कि पिछले साल बहुत ही छोटे स्वरूप में पूजा का आयोजन करने के लिए हमारा युवा सहयोगी यहाँ पर आया था. अब इस साल उसकी तुलना में बड़ी संख्या में यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये आपके इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से अपनी पूजा करने का, हमारी सारी बहनों को अवसर मिले, इसके लिए जो जो कुछ भी प्रयास किया जा सकता है हम करके रहेंगे. मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ पनवेल कॉरपोरेशन का कि जिन्होंने इसके लिए लगने वाली व्यवस्थाएँ करने के लिए इस साल से पहल की है. तो आने वाले समय में ये आपकी पूरे साल की गतिविधियों में सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है. तो ये आराधना आपकी अच्छी तरीके से हो, सुचारू रूप से हो, इसके लिए जो जो व्यवस्था करनी पड़े मैं समझता हूँ कि पनवेल कॉरपोरेशन के माध्यम से आने वाले समय में होनी चाहिए. मैं कमिश्नर गणेश देशमुख साहब का भी इस अवसर पर आभार प्रकट करना चाहता हूँ. और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र हमें दिया है, तो इसमें सबका प्रयास जुड़ना जरूरी है, इसके ऊपर उनका ज़्यादा जोर रहता है. मैं समझता हूँ कि आप सभी के प्रयासों से आने वाले समय में इस शहर के और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में, सभी के उपयुक्त होने में जो जो कुछ भी आवश्यकताएं होंगी इनको पूरा करने का हम सभी अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे. आप सभी को आने वाले पूरे साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपने इस अवसर पर हम सभी को यहाँ पर आकर आपको शुभकामनाएं देने का अवसर दिया, हमें सम्मानित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.